अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम या टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ग्राफ एल्गोरिथम। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे ग्राफ्स क्या होते हैं और उसके बाद हम डिफरेंट ग्राफ एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ क्या होते हैं। ग्राफ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ग्राफ एक्चुअली किस ऑब्जेक्ट्स की या उनके दरमियान में रिलेशनशिप की एक ऐसी नोटेशन होती है जो कि उन्हें रिप्रेजेंट करती है पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में। और इसमें दो जो है वो इसके कंपोनेंट होते हैं, वर्टिसेस और एजेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन अ ग्राफ आर कॉल्ड वर्टिसेस। वर्टिसेस आर आल्सो नोन एज नोड्स। जनरली हम नोड्स का तो हमें पता है कि जैसे ना एक नेटवर्क में जितने कंप्यूटर अटैच होते हैं उन कंप्यूटर्स को हम नोड्स कहते हैं, इसी तरह से ग्राफ्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपस में अटैच हुए होते हैं उन्हें हम वर्टिसेस या नोड्स कहते हैं। और एजेस होते हैं, एजेस वो लिंक्स होते हैं जो इन वर्टिसेस को या नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ग्राफ्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ्स वो होते हैं जिनके एजेस पर कोई डायरेक्शन होती है, यानी हमें मालूम होता है कि एक नोड से एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक मूव करने के लिए जो एज है वो कितनी कॉस्ट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो होते हैं जिनमें एजेस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ग्राफ कलरिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। ग्राफ कलरिंग इज अ मेथड टू असाइन कलर्स टू द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ सो दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर। ग्राफ कलरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नोड्स को या वर्टिसेस को कलर्स असाइन करते हैं ताकि दो एडजेसेंट वर्टिसेस यानी साथ साथ मौजूद वर्टिसेस के कलर्स सेम ना रह जाएं और उनकी वजह से हमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो डिफरेंट कलर्स की वजह से हम हमारे लिए एक्चुअली आसानी पैदा कर रहे होते हैं। सम ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम्स आर वर्टेक्स कलरिंग, अ वे ऑफ कलरिंग द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ सो दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस शेयर द सेम कलर। कलरिंग की बात हम करें तो ग्राफ को हम उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। सबसे पहले तो वर्टेक्स कलरिंग होती है। वर्टेक्स कलरिंग में हमें वर्टिसेस को जो है कलर करना पड़ता है ताकि कलर वर्टिसेस का सेम ना रहे और हमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। एज कलरिंग, इट इज़ अ मेथड ऑफ असाइनिंग अ कलर टू ईच एज सो दैट नो टू एडजेसेंट एजेस हैव द सेम कलर। नाम से हमें पता चल रहा है इसमें हम एजेस को कलर दे रहे हैं ताकि दो एजेस का कलर सेम ना रहे। फेस कलरिंग, इट असाइंस अ कलर टू रीच फेस और रीजन ऑफ अ प्लेनर ग्राफ सो दैट नो टू फेसेस दैट शेयर अ कॉमन बाउंड्री हैव द सेम कलर। फेस कलरिंग हम यूज करते हैं ग्राफ के अंदर किस सेंस में? प्लेनर ग्राफ्स में के दो इकट्ठे रीजन का कलर सेम ना हो जाए इसमें हम जो है फेस कलरिंग करते हैं। हम मैप देखते हैं, नक्शा, दुनिया का नक्शा हम देखते हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो है उसके अंदर जो है उनकी लोकेशन जो है वो बताई गई होती है, डायरेक्शन बताई गई होती है। हम नोट करते हैं कि कभी भी दो एडजेसेंट यानी साथ साथ मौजूद कंट्रीज का कलर ग्राफ के अंदर उस मैप के अंदर सेम नहीं होता। उसकी वजह यही है ताकि उन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सके, और दूसरा ये है कि उनके फेसेस को अलग किया जा सके, उनके रीजन्स को सेपरेट किया जा सके एक दूसरे से। क्रोमैटिक नंबर क्या होता है? ये कलरिंग के अंदर ये एक छोटी सी टर्म आती है। क्रोमैटिक नंबर इज द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर अ ग्राफ। क्रोमैटिक नंबर वो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं ग्राफ को कलर करने में। फॉर एग्जाम्पल द क्रोमैटिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज 3। इस ग्राफ में अंदर आप देख सकते हैं कितने कलर्स आपको शो हो रहे हैं। 3 शो हो रहे हैं, एक ये ग्रे कलर, एक ये डार्क ब्राउन सा कलर है, दूसरा एजेस का कलर है। तो ये 3 जो है इसका क्रोमैटिक नंबर। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ कलरिंग इज अप्लाइड इन प्रिपेयरिंग टाइम टेबल्स, मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट, सुडोकू रजिस्टर एलोकेशन एंड कलरिंग ऑफ मैप्स। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कलरिंग हम ग्राफ की कहाँ पे यूज़ करते हैं, टाइम टेबल्स में। अक्सर आपने टाइम टेबल्स बने हुए देखे होंगे जो कलर्ड फॉर्म में होते हैं। फिर मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट्स होती हैं, कुछ मैप्स जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। तो इन सब चीज़ों में ये ग्राफ कलरिंग का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है। ग्राफ कलरिंग के स्टेप्स, सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ ईच प्रोसेसर इन द एन डायमेंशनल एरे टू 1।
Now to assign a particular color to a vertex, determine whether that color is already assigned to the adjacent vertices or not. If a processor detects same color in the adjacent vertices, it sets its value in the array to 0. After making n square comparisons, if any element of the array is 1, then it is a valid coloring. ग्राफ कलरिंग में सबसे पहले हम एक एरे लेते हैं, उसके अंदर एक इनिशियल वैल्यू प्रोसेसर की जो है हम डालते हैं 1, फिर प्रोसेसर को हम कोई कलर असाइन करते हैं और प्रोसेसर जो है चेक करता है कि वो कलर उस वर्टेक्स को जिसको हमने डालना है या कलर करना है उसके एडजेसेंट वर्टिसेस में से किसी का कलर वैसा सेम तो नहीं है। अगर उसको कलर सेम मिल जाता है, डिटेक्ट कर लेता है, तो वो एरे की वैल्यू सेट कर देता है 0, और जब वो n स्क्वायर कंपैरिजन कर लेता है तो एलिमेंट की जो एरे है वो 1 हो जाता है और उसके बाद जो है वो कलरिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद हम देखते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। स्पैनिंग ट्री हूज सम ऑफ वेट ऑफ ऑल इट्स एजेस इज लेस देन ऑल अदर पॉसिबल स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ g इज नोन एज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री और मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। फॉलोइंग फिगर शोज अ वेटेड कनेक्टेड ग्राफ। स्पैनिंग ट्री एक्चुअली एक ऐसा ट्री होता है जो कि वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ होता है, यानी जिस तरह आपको डायग्राम में शो हो रहा है डायरेक्शन है उसकी, कुछ वेट उस पर दिए हुए हैं हर एज पे। तो स्पैनिंग ट्री हम एक्चुअली यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऐसा यूज कर रहे हैं, स्पैनिंग ट्री हूज सम ऑफ वेट ऑफ ऑल इट्स एजेस इज लेस देन द ऑल अदर पॉसिबल स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ जी, यानी पूरे ग्राफ में से एक स्पैनिंग ट्री कि जितने वेट्स हैं उन सबका सम, यानी उनके एजेस का सम, जैसे यहाँ पे 11, 7, 9, 8, 12, 10 ये एजेस का सम है, इन्हें अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास सम आ जाएगा, ये लेस देन होना चाहिए किससे, ग्राफ के अंदर मौजूद बाकी तमाम स्पैनिंग ट्री से। इसको हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। ये फिगर में आपको एक वेटेड कनेक्टेड ग्राफ शो हो रहा है और सम पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज ऑफ द अबव ग्राफ आर शोन बिलो। इस स्पैनिंग ट्री के जो हमने पीछे देखा उसके कुछ पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज मजीद ये हो सकते हैं, वो एक्चुअली ग्राफ था, उस ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज कुछ ही हो सकते हैं। सबसे पहले में आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला वाला ग्राफ है, यहाँ पे ये ट्री है, इसके अंदर हमारे पास ये दो एजेस मिसिंग है। इसी तरह से यहाँ पर ये दो मिसिंग है, इधर ये और ये मिसिंग है, यहाँ पर ये मिसिंग है, ये दो मिसिंग है और इधर ये दो मिसिंग है। तो हम डिफरेंट एजेस को सम करके एक मुख्तलिफ किस्म के स्पैनिंग ट्रीज हम बना सकते हैं। अमंग ऑल द अबव स्पैनिंग ट्रीज फिगर डी इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इनमें से जो फिगर डी है, दिस वन, ये चौथी फिगर, ये एक्चुअली मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि तमाम सम्स में से, टोटल वेट्स में से इसका सम जो है वो सबसे कम आ रहा है 36, तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया या मिनिमल स्पैनिंग ट्री हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज अप्लाइड इन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डिजाइनिंग एफिशिएंट नेटवर्क्स एंड डिजाइनिंग एफिशिएंट राउटिंग एल्गोरिथम्स। ये मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन है कुछ, इसे हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में, डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डिजाइनिंग एफिशिएंट नेटवर्क्स, डिजाइनिंग एफिशिएंट राउटिंग एल्गोरिथम्स, इन सब में हम इसे यूज करते हैं। टू इंप्लीमेंट द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री द फॉलोइंग टू मेथड्स आर यूज। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को इंप्लीमेंट करने के लिए हम दो एल्गोरिथम यूज करते हैं, दैट इज प्रिम्स या प्राइम्स एल्गोरिथम या क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम देखते हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम व्हिच हेल्प्स अस फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। इट सिलेक्ट्स अ वर्टेक्स फर्स्ट एंड फाइंड्स एन एज विद द लोएस्ट वेट इंसिडेंट ऑन दैट वर्टेक्स। प्रिम्स एल्गोरिथम ग्रीडी एल्गोरिथम, एक्चुअली ग्रीडी एल्गोरिथम्स का कॉन्सेप्ट हम पीछे कर चुके हैं एक वीडियो में। ग्रीडी एल्गोरिथम्स वो होते हैं जो कि ग्रीडली सर्च करते हैं किसी चीज़ को सबसे कम और शॉर्टेस्ट पाथ को लेकर। तो ग्रीडी एल्गोरिथम है जो कि हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ पर फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। ये सबसे पहले एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करता है, यानी एक नोड को सिलेक्ट करता है, और उसके बाद उसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम एजेस में से जो लोएस्ट वेट का एज होता है वो फाइंड आउट करता है ट्रैवलिंग के लिए या गुजरने के लिए पाथ के लिए।
प्रिम्स एल्गोरिथम में स्टेप्स कौन कौन से हैं, सिलेक्ट एनी वर्टेक्स से वी वन ऑफ द ग्राफ जी, पूरे ग्राफ जी में से सपोज एक वर्टेक्स सिलेक्ट करना है आपने, हम कह रहे थे वी वन वर्टेक्स हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट एन एज से ई वन ऑफ जी सच डेट ई वन इज इक्वल टू वी वन वी टू एंड वी वन इज नॉट इक्वल टू वी टू एंड ई वन हैज मिनिमम वेट अमंग द एजेस इंसिडेंट ऑन वी वन इन ग्राफ जी। अब इस लाइन का क्या मतलब है, सबसे पहले हमने पूरे ग्राफ में से एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया वी वन, उसके बाद हम एक एज सिलेक्ट करेंगे ई वन, उस एज को हम कह सकते हैं कि वो सपोज जैसे ग्राफ होता है ना एक नोड होता है, उस नोड के आगे दो चाइल्ड नोड होते हैं, तो वो जो हमने रूट नोड ऊपर वाला लिया है वो एक्चुअली हमारा वर्टेक्स वी वन है और उसके नीचे वाले जो अलग और मजीद वर्टेक्सेस हैं वो उसके चाइल्ड नोड्स हैं, उसको हम कह सकते हैं वो वी टू और वी थ्री हैं। तो अब उन दोनों चाइल्ड नोड्स को जो रूट नोड के साथ कनेक्ट किया गया है उसमें दो एजेस यूज हुए हैं, उन दो एजेस में से हमने एक एज लेना है, वो वाला एज जिसकी कॉस्ट वेट जो है वो कम से कम होगी, मिनिमम होगी, लोएस्ट होगी, वो हम सपोज करते हैं हम ई वन वाला एज सिलेक्ट करते हैं। तो हम यूँ देखते हैं इसको, यही उसने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि ई वन इज इक्वल टू वी वन वी टू, वी वन एक्चुअली हमारा वो वर्टेक्स है जो हमने सिलेक्ट किया यानी रूट नोड, और वी टू जो है वो चाइल्ड नोड में से एक नोड है और उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है आपस में कौन, एज ई वन, जिसमें वी वन और वी टू बराबर नहीं है और ई वन का जो मिनिमम जो वेट है वो मिनिमम है बाकी तमाम एजेस पे। नाउ फॉलोइंग स्टेप टू, सिलेक्ट द मिनिमम वेट एज इंसिडेंट ऑन वी टू। अब हम वी वन से वी टू तक आ गए, वी टू से आगे फिर हमारे पास मल्टीपल एजेस होंगे, उन मल्टीपल एजेस में से फिर हमने स्टेप टू को रिपीट करना है और लोएस्ट कॉस्ट का जो एज है वो सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू दिस टिल एन माइनस वन एजेस हैव बीन चूजन, हियर एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, और ये काम हमने रिपीट करते रहना है कब तक, जब तक हम एन माइनस वन एजेस तक नहीं पहुंच जाते। एन माइनस वन मतलब एन हमारे टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं और उससे एक नोड कम काउंटिंग का, जब तक हम नहीं पहुंच जाते हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। ये हमारे सामने एक ग्राफ है, आपके सामने ऊपर वाला दिस वन, इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या हो सकता है, हमने सपोज वर्टेक्स वी वन लिया, ऑलराइट, आगे इसके कौन कौन से वर्टिसेस हमारे पास, सॉरी एजेस, ये चार है, सिक्स सिक्स फाइव एंड सेवन, इन चारों में से मिनिमम कौन सा, फाइव, हम ये वाला चूज करेंगे, कहाँ पे आगे हम V3 पे, V3 से आगे हमारे पास दो हैं, ये दिस वन एंड दिस वन, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, इसको स्किप कर दें, V3 से आगे ये और ये, इसका शॉर्टेस्ट कौन सा है हमारे पास, V2 है, ये V2 पे हम आगे, V2 से हमारे पास वर्टिसेस जा रहे हैं सेवन टेन और नाइन, शॉर्टेस्ट कौन सा है इनमें से, हमारे पास सेवन है, और इसी तरह से हम लोएस्ट पाथ सिलेक्ट करते जाएंगे और हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री जो है ये इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। उसके बाद दूसरा है जी हमारे पास क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम व्हिच हेल्प्स अस फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ कनेक्टेड वेटेड ग्राफ एडिंग इंक्रीजिंग कॉस्ट आर्क्स एट ईच स्टेप। क्रुस्कल एल्गोरिथम हमारा एक पिछले एल्गोरिथम की तरह ही ग्रीडी एल्गोरिथम है जो कि उसी तरह से हमें वेटेड ग्राफ में से कुछ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करके देता है लेकिन अलग टेक्निक से, एडिंग इंक्रीजिंग कॉस्ट आर्क्स एट ईच स्टेप, हर स्टेप पे ये इंक्रीजिंग कॉस्ट आर्क्स को ऐड करता है। वो किस तरह करता है वो नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम डैट फाइंड्स एन एज ऑफ द लीस्ट पॉसिबल वेट डैट कनेक्ट्स एनी टू ट्रीज इन द फॉरेस्ट। इसके स्टेप्स देखते हैं, प्रोसीजर्स का वर्किंग, सिलेक्ट एन एज ऑफ मिनिमम वेट से ई वन ऑफ ग्राफ जी एंड ई वन इज नॉट अ लूप। एक ऐसा एज आपने सिलेक्ट करना है जो कि मिनिमम वेट रखता हो और दूसरा वो लूप में भी ना आता हो। उसके बाद हमें आपने क्या करना है, नेक्स्ट सिलेक्ट द नेक्स्ट मिनिमम वेटेड एज कनेक्टेड टू ई वन, ई वन से कनेक्ट हुआ है अगला मिनिमम वेट आपने सिलेक्ट करना है, और कंटिन्यू दिस टिल एन माइनस वन एजेस हैव बीन चूजन, हियर एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, और वही काम आपने जो पिछले हमने किया n माइनस वन तक इसको रिपीट करते जाना। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ग्राफ है, इस उन स्टेप को फॉलो करते हुए हम देखें अगर तो हमारे पास जो स्पैनिंग ट्री बनेगा वो कुछ इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद है ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ, इट एम्स टू फिगर आउट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ईच वर्टेक्स वी टू एवरी अदर यू।
नाम से पता चल रहा है, हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जो भी शॉर्टेस्ट पाथ बनता है ये उसे फिगर आउट करता है। स्टोरिंग ऑल द पाथ एक्सप्लिसिटली कैन बी वेरी मेमोरी एक्सपेंसिव इंडीड एज वी नीड वन स्पैनिंग ट्री ऑफ फॉर ईच वर्टेक्स। दिस इज ऑफन इम्प्रैक्टिकल रिगार्डिंग मेमोरी कंजप्शन, सो दीज आर जनरली कंसिडर्ड एज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम विच एम टू फाइंड जस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ ईच टू ईच नोड टू अनदर। वी यूजुअली वॉन्ट टू आउटपुट इन टेबुलर फॉर्म द एंट्री इन यूज रोज एंड वीज कॉलम शुड बी द वेट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम यू टू सी। ये एल्गोरिथम हमने अभी देखा, इसके अंदर मजीद और मल्टीपल एल्गोरिथम आते हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ का जो वर्किंग करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ की हमने टेक्निक यहाँ पर सिर्फ देखी है, वो ये है कि एक ग्राफ के अंदर एक नोड से दूसरे नोड तक या एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक शॉर्टेस्ट पाथ जो भी बनता है, चाहे उसमें वेट्स कम हो या किसी भी तरीके से शॉर्टेस्ट बनता हो, ये उसे फिगर आउट करता है। आगे हम देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या है। इन ग्राफ थ्योरी द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग अ पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस और नोड्स इन अ ग्राफ सच दैट सम ऑफ द वेट्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एजेस इज मिनिमाइज्ड। ये मैंने अभी पीछे बताया, ग्राफ थ्योरी में शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम हम ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं जो दो ही वर्टिसेस के दरमियान में वो पाथ फाइंड करता है जिसका सम ऑफ वेट्स जो है वो कम से कम हो या शॉर्टेस्ट हो। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू इंटरसेक्शंस ऑन अ रोड मैप मे बी मॉडल्ड एज अ स्पेशल केस ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन ग्राफ वेयर द वर्टिसेस कोरेस्पॉन्ड टू इंटरसेक्शंस एंड द एजेस कोरेस्पॉन्ड टू रोड सेगमेंट्स ईच वेटेड बाय द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। इसको एग्जांपल हम बिल्कुल रोड तरह ले सकते हैं। आपने रोड के एक नोड से दूसरे नोड तक आपने मूव करना है, और या यूं कह लें फैसलाबाद से लाहौर जाना है, दो नोड हैं आपके पास, एक नोड फैसलाबाद है दूसरा नोड लाहौर है आपके पास, और उसके बीच में आपके पास मल्टीपल पाथ्स हैं जो कि एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें से हमने शॉर्टेस्ट पाथ जो अगर फाइंड कर लिया और कम से कम टाइम में ताकि हम पहुँच सकें, कम से कम कॉस्ट में वहाँ पहुँच सकें अपनी डेस्टिनेशन नोड तक, तो वो ये एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द फॉलोइंग वेरिएशन। इस प्रॉब्लम को हम अक्सर सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम बोलते हैं। सिंगल पेयर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन विच वी हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स v टू ऑल अदर वर्टेक्स इन द ग्राफ। ये सिंगल सोर्स है, यानी हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है सोर्स वर्टेक्स v से लेकर ग्राफ के अंदर मौजूद तमाम दूसरे वर्टेक्स तक। सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, इसमें हम डेस्टिनेशन तक जितने शॉर्टेस्ट पाथ बनते हैं वो फाइंड करेंगे, वहाँ पे सोर्स यूज हो रहा था, इधर डेस्टिनेशन है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ये पीछे भी अभी हमने देखा कि ये हर पेयर यानी हर वर्टेक्स को से दूसरे वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। दीज जनरलाइजेशन हैव सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम्स देन द सिंपलिस्टिक अप्रोच ऑफ रनिंग अ सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम ऑन ऑल द रेलेवेंट पेयर्स ऑफ वर्टेक्स। अब ये हमारे पास मल्टीपल कुछ डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जो कि इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करते हैं या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास डिजक्स्ट्रास एल्गोरिथम है, सॉल्व द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम विद नॉन नेगेटिव एज वेट। फिर हमारे पास बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, ए स्टार सर्च एल्गोरिथम है जो कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम है, जॉनसन एल्गोरिथम है, वाइटर भी एल्गोरिथम है। ये सब एल्गोरिथम जो है इस शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें से हम जो है वो सबसे पहले देखते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को थोड़ा और स्टडी करते हैं कि वो क्या होते हैं। इन अ शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वी आर गिवन अ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ जी इज इक्वल टू वी, यानी जी ग्राफ है, वी वर्टिसेस और ई उसके अंदर एजेस हैं, विद वेट फंक्शन डब्ल्यू सच दैट ई टू आर मैपिंग एजेस टू रियल वैल्यूड वेट्स। द वेट ऑफ पाथ P is equal to this is the total of the weights of the its constituent edges। ये उसने weights तमाम जो path बनते हैं एक graph के अंदर उसका जो है summation formula बताया। We define the shortest path weight from U to V by this formula।
इसी तरह से हम इसके अंदर ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी यूज़ करते हैं टेक्निक, और दूसरी टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। कुछ वेरिएंट्स देख लेते हैं। सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, इसके अंदर हमने ये थोड़ी सी पिछली बार रिपीट हुई है कि हम डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक तमाम वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं। सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट, इसमें हम एक पेयर सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम यू टू वी, फॉर एग्जांपल फॉर गिवन वर्टेक्स यू एंड वी, इफ वी डिटरमिन अ सिंगल सोर्स प्रॉब्लम विद सोर्स वर्टेक्स यू, वी क्लेरिफाई दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में हम तमाम पेयर के शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ की एग्जिस्टेंस हम यूँ कह सकते हैं, सम पाथ फ्रॉम एस टू वी कंटेन्स अ नेगेटिव कॉस्ट साइकिल देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट द शॉर्टेस्ट पाथ, अदरवाइज देयर एग्जिस्ट द शॉर्टेस्ट पाथ एस टू वी, दैट इज सिंपल। शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ, सपोज हमारे पास एक ग्राफ है जी, वी कंटेन मेंटेन फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग्स टू वी एज प्रीडिसेसर बाय ऑफ वी सच दैट दैट इज आइदर अनदर वर्टेक्स और निल। हमारे पास एक ग्राफ है जी, उसके ई एजेस हैं और वी वर्टेसेस हैं। उन तमाम वर्टेसेस में से हम सपोज करते हैं कोई एक वर्टेक्स स्मॉल वी है जो कि तमाम वर्टेसेस में से ही एक है, जो कि प्रीडिसेसर है यानी चाइल्ड नोड है, किसी चाइल्ड नोड की तरफ जाता है, और उसे हम कहते हैं जी पाई ऑफ वी। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेयर अगेन वी डिफाइन द वर्टेक्स सेट वी ऑफ पाई टू बी द सेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ जी विद नॉन निल प्रीडिसेसर्स प्लस द सोर्स एस। अ शॉर्टेस्ट पाथ ट्री रूटेड एट एस इज अ डायरेक्टेड सब ग्राफ वेयर वी प्राइम बिलोंग्स टू वी एंड ई प्राइम बिलोंग्स टू ई सच दैट वी प्राइम इज द सेट ऑफ वर्टिसेस रीचेबल फ्रॉम एस इन जी। ये तमाम वेरिएबल्स के यूज भी बताए हुए हैं इन दोनों स्लाइड्स में, कि हम एक नोड से दूसरे नोड तक या एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जा रहे हैं, और वो वर्टेक्स जो है हमारे ओवरऑल ग्राफ के अंदर ही मौजूद है, तो उसको डिफरेंट वेरिएबल से डिनोट किया गया है, बस यही इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, ऑल पाथ्स ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स आर शॉर्टेस्ट पाथ्स, ऑल पाथ्स ऑल सब पाथ्स ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, यानी पूरे ग्राफ में से हमारे पास जितने भी सब पाथ्स हैं उनके शॉर्टेस्ट पाथ भी शॉर्टेस्ट पाथ होते हैं। लेट पी वन बी एक्स टू वाई सब पाथ। पी वन हम कहते हैं ऐसा पाथ है जो हमें नोड एक्स से वाई तक लेके जाता है, और ये एस से वी तक जाने का भी शॉर्टेस्ट पाथ, यानी एक सब पार्ट है, ये कह लें सब पाथ है। और पी टू हम कहते हैं ये एक्स से वाई तक जाता है, देन कॉस्ट ऑफ पी वन इज लेस देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पी टू, अदरवाइज पी नॉट शॉर्टेस्ट एस टू वी पाथ। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं एस से वी तक हमने जाना है, और उसके बीच में दो नोड और हैं एक्स से वाई, तो हम कहते हैं पी वन वो नोड है जो एक्स से वाई तक जाता है, और ये एस से वी तक का भी एक सब पाथ है, यानी पूरे पाथ का एक छोटा सा हिस्सा है। इसी तरह से पी टू भी एक पाथ है जो इन दोनों नोड्स पर पहुंचने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक्स से वाई तक जाता है। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो पी वन की कॉस्ट है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए किसके, कॉस्ट ऑफ पी टू को। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरा है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। लेट डी ऑफ वी डब्ल्यू बी द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, देन डी ऑफ वी टू डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू डी ऑफ वी टू एक्स प्लस डी ऑफ एक्स टू डब्ल्यू। वी से डब्ल्यू तक जाने का एक शॉर्टेस्ट पाथ हम कहते हैं डी है, लेकिन इसके अंदर और सब पार्ट्स भी आते हैं, जैसे वी टू डब्ल्यू जो है वी टू एक्स है, और एक्स टू डब्ल्यू भी है। हम इस पाथ के जरिए भी डब्ल्यू तक पहुंच सकते हैं, हम ये वी से डायरेक्ट यहाँ भी जा सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट जो है फाइंड करने के लिए प्रॉपर्टी ट्राइंगल इनइक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कि वी से डब्ल्यू तक जाने का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, इसके वी से एक्स और एक्स से डब्ल्यू के। तीसरी है
अपर बाउंड प्रॉपर्टी वी ऑलवेज हैव डी ऑफ वी ग्रेटर देन इक्वल टू एस ऑफ वी फॉर ऑल वर्टिसेस वी बिलोंग्स टू वी. नॉन पाथ प्रॉपर्टी इफ देयर इज नो पाथ फ्रॉम एस टू वी देन वी रेगुलरली हैव सम इंफिनिटी इफेक्ट. अगर हम कहते हैं कि जी हमारे पास एस से वी तक जाने का कोई पाथ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है वहाँ पे इनफिनिट पाथ हो जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी इफ एस टू यू एंड यू टू वी इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन जी फ्रॉम फॉर सम यू वी बिलोंग्स टू वी एंड इफ डी ऑफ यू इज इक्वल टू एट एनी कॉस्ट at any time prior to relaxing edge then d of v at all times thereafter. इसमें हम देखते हैं s से u और u से v तक जाने का, हम कहते हैं suppose एक shortest path है जिसके अंदर u और v जो है वो दो vertices हैं, तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो distance है u का जिसको उस पर जितना भी time और cost लग रही है s से u तक जाने की ये, और दूसरी चीज वर्टेक्स वी का जो डिस्टेंस है वो इसमें अगर हमारे पास हम कहते हैं यू का डिस्टेंस एस से यू तक का जो है इक्वल होता है तो हमारे पास वी का भी जो है वो उस तरह इक्वल, यानी ये इफ कंडीशन है. अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो देन दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू या ये एग्जीक्यूट होती है. रिलैक्सेशन क्या होती है? The single source shortest paths are based on a technique known as relaxation, a method that repeatedly decreases an upper bound on the actual shortest path weight or of each vertex until the upper bound equivalent has shortest path weight. Single source shortest path हमेशा एक technique use करता है relaxation की, और ये एक ऐसा method है जो repeatedly upper bound को decrease करता है, कम करता है शॉर्टेस्ट पाथ पर, यानी शॉर्टेस्ट पाथ पूरे ग्राफ में से जो भी निकला है हर वर्टेक्स का उसकी अपर बाउंड को जो है ये डिक्रीज करता है अंटिल द अपर बाउंड इक्विवेलेंट टू द शॉर्टेस्ट पाथ वेट, और इतना ही डिक्रीज करता रहता है जब तक जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ वेट तक नहीं आ जाता. फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग्स टू वी मेंटेन एन एट्रीब्यूट डी ऑफ वी विच इज एन अपर बाउंड ऑन द वेट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स एस टू V, we call D of V the shortest path estimate. इसके लिए कुछ हम initialize single source का algorithm use करते हैं. After initialization, इस algorithm के follow होने के बाद हमारे पास कुछ figures हैं यहाँ पे. इनको देखते हैं. हमारे पास U से V एज पे वेट्स हैं हमारे पास 2, और शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट ऑफ ईच वर्टेक्स अपीयर्स विद इन द वर्टेक्स. हम इस पे रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारे पास देखें जो वर्टेक्स की वैल्यूज हैं वो 9 से कम हो गई, 7 हो गई है. ये रिलैक्सेशन जो है का काम है. इसी तरह से यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, और ये रिलैक्सेशन एल्गोरिथम है बेसिकली. अब हम देखते हैं डिज़क्स्ट्रास एल्गोरिथम. इट इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम दैट सॉल्व्स द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ जी विद नॉन नेगेटिव एज वेट्स दैट इज डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. डिज़क्स्ट्रास एल्गोरिथम मेंटेन्स अ सेट एस ऑफ वर्टिसेस whose final shortest path weights from the source S have already been determined. That's for all vertices V belong to S. The algorithm repeatedly selects the vertex U belong V to S such S with the minimum shortest path estimate. ये हमारे पास algorithm है basically. इसका analysis हम करते हैं. The running time of Dijkstra's algorithm on a graph with edges E and vertices V can be expressed as a function of V and E and V using a big O notation. The simplest implementation जो है इसकी हम इसको यूँ कर सकते हैं big O notation के जरिए हमारे पास, तो running time इसका हमारे पास आ जाएगा big O upper bound of V square plus E equals to big O V square. Example इसकी देख रहे थे हमारे पास
ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास स्टेप वन में हम देखते हैं एस टी एक्स वाई जी, एस टी एक्स वाई और जी, ये तीन हमारे पास वर्टिसेस हैं, ये तीन हमारे पास वर्टिसेस हैं, वी स्कैन वर्टिसेस वन बाय वन एंड फाइंड आउट इट्स एडजेसेंट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ईच एडजेसेंट टू द सोर्स वर्टिसेस, वी मेक अ स्टैक व्हिच कंटेन्स दोज वर्टिसेस व्हिच आर सिलेक्टेड आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फर्स्टली वी टेक एस इन स्टैक एम व्हिच इज अ सोर्स। सबसे पहले हम ये एस नोड ले लेते हैं। स्टेप टू, नाउ फाइंड द एडजेसेंट ऑफ एस डेट आर टी एंड वाई, इसके हम एडजेसेंट देखते हैं, एस के एडजेसेंट हमारे पास वर्टिसेस टी और वाई, यानी एस जो है कनेक्ट हो रहा है टी और वाई से। तो यहाँ पे हमारे पास एस से टी तक का, अगर हम पहला केस देखते हैं, एस से टी तक जाने का हम पाथ दिया, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, डी ऑफ वी हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए डी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू, पीछे हमने जो फॉर्मूला देखा ये वही है, वी की जगह हम टी यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स जो है वो टी है, वर्टेक्स हमारे पास टी है, और इसी तरह से यू की जगह हम एस यूज करते हैं क्योंकि हमने पीछे एग्जांपल में स्टार्टिंग जो है हमारे पास यू से थी, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग चूंकि एस से है तो यू को हम एस से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर यू और वी को एस और टी से। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एस का डिस्टेंस जीरो है और टी का डिस्टेंस हमारे पास टेन है, और ये एक फॉल्स की कंडीशन बनती है। देन डी ऑफ टी यानी जीरो से टी तक जाने के लिए हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टेन बना है, और इस पर उसने रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी लगाई है तो वो फाइव बन गया। सेम इज़ द केस विद एस टू वाई, क्लियर। हम दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो वाई का बनता है, यानी इसकी वैल्यू टेन है इसकी फाइव है, तो दोनों में तो शॉर्टेस्ट कौन सा है, फाइव। तो हम ये वाला पाथ जो है वो सबसे पहले यूज़ करेंगे। नाउ फाइंड द एडजेसेंट ऑफ वाई डेट इज टी एक्स एंड वाई, वाई का एडजेसेंट कौन सा है, वाई टी से कनेक्ट हो रहा है, एक्स से कनेक्ट हो रहा है, जी से कनेक्ट हो रहा है। इसी तरह इन तीनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। टी का हमारे पास डिस्टेंस है जी एक्स का हमारे पास बन रहा है 14 बन रहा है, और टी का 8 बन रहा है, और इसी तरह से जी का जो है वो 7 बन रहा है, और इनमें से शॉर्टेस्ट हमारे पास जो है वो कौन सा है, 7। सिमिलरली अब जी से आगे हम कनेक्ट हो रहे हैं एस के साथ और एक्स के साथ, इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, और इनमें से जो हमारे पास शॉर्टेस्ट है वो बन रहा है 13, दैट इज एक्स, और इसी तरह से कंटिन्यू हम रखेंगे तो फाइनली हमारे पास जो वेट आ रहे हैं एस टू वाई 5 है, एस से वाई 5, और उसके बाद एस एस टू जी 7 है, एस टू जी जी तक पहुँचेंगे 7, तो 5 यहाँ ऑलरेडी था प्लस 2 7, और वेट फ्रॉम एस टू टी, एस से टी का जो वेट है हमारे पास वो कितना बनता है 8, और सिमिलरली यानी 5 प्लस 3 8, और एस से एक्स तक जाने के लिए हमारे पास 5 प्लस 3 प्लस 1 9, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो एक सोर्स
ग्राफ ये बनेगा। डिसएडवांटेज इसके, इट डज अ ब्लाइंड सर्च सो वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल प्रोसेसिंग, इट कांट हैंडल नेगेटिव एजेस, इट लीड्स टू द एसाइक्लिक ग्राफ एंड मोस्ट ऑफन कैन नॉट ऑब्टेन द राइट शॉर्टेस्ट पाथ, वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ वर्टिसेस दैट हैव बीन विजिटेड।